होली यानी रंगों का त्यौहार। होली पे लोग अपने दुश्मनी को ख़त्म करके प्रेम को बढ़ावा देते हैं, और जहाँ ऑलरेडी प्रेम हो वहाँ तो आनंद ही आनंद आता है। तो आज हम हमारी श्री राधा रानी श्री जी के जन्म स्थान यानी बरसाना की होली का आनंद लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी श्री राधा जी यानी श्री जी का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। तो चलिए पहले उनका आशीर्वाद लेके और इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और प्यार से बोलते हैं राधे राधे। ऑलराइट, सो हे गाइस, मी विनय, वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज हम सुबह सुबह, हाँ सुबह बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं भाई। कितने बज रहे हैं सुबह के? 2:47 भाई, सुबह के 2:47 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी हम हैं अटारी पे की स्टूडियो पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं श्री राधा जी के मंदिर दर्शन करने और वहाँ की मंगला आरती देखने। बहुत फेमस आरती है जो कि सुबह से होती है। भाई कितने बजे होती है सुबह आरती? 5:10। तो भाई वहाँ की जो आरती है, मंगला आरती, वो 5:10 पे स्टार्ट होती है। और हम इतनी जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई वहाँ पे भीड़ होती है बहुत ज्यादा, तो जगह नहीं मिलती भाई। तो हमें अभी से निकलना पड़ेगा, तब जाके हम 3:30 बजे पहुंचेंगे, तो जाके हम फिर अटेंड कर पाएंगे आरती, इसलिए पहले निकलने पड़ा। तो अभी हम निकले हैं यहाँ पे, और अभी हम ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। भाई तुमने बताया कि इसमें कितनी सीढ़ियाँ टोटल? 300। तो भाई भाई ने बताया कि इसमें 300 ऊपर सीढ़ियाँ है पूरी। तो भाई चढ़ाई कर रहे हैं हम, और पैरों के तो बैंड पहले से बजी हुई थी और अभी दोबारा बजेगी। खैर को बात है, राधा रानी का नाम लेते हुए चलते 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 बोल राधा राना की जय, पूछी अटारी वाली की जय। भाई जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम ऊपर आए थे, तो हम ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे, और मैंने बताया कि आपको यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, तो यहाँ भीड़ देखो, भीड़ है पूरी, ऊपर तक भीड़ है, नीचे तक भीड़ है। यहाँ बैठे हुए हैं आरती के लिए बंदे, वेट करे, ठीक है। तो वो इस कदर में यहाँ भीड़ है बहुत ज्यादा। हाँ भाई आ गए तुम बगे। तो भाई यहाँ ना बहुत ज्यादा भीड़ है, और अभी हम भी वेट कर रहे हैं मंदिर खुलने का। फिर जब खुलेगा उसके बाद मंगला आरती अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते क्या नहीं। बाकी सिर्फ बैठे हुए अभी हम राधा रानी के नाम से, बाकी क्या ही करेंगे, दिखाते आपको व्यू दे दो आप। लोगों की उमंग और उत्साह देखकर और श्री राधा रानी का प्रेम से 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। और फिर 3 घंटे बाद जाकर हमने हमारी श्री राधा रानी के दर्शन करके दिल को बहुत सुकून मिला। प्यार से बोले राधे राधे। तो गाइस बड़ी मुश्किल से 2 ढाई घंटे का इंतजार करके फाइनली हमने राधा रानी, श्री राधा रानी का दर्शन कर लिया है, और मैंने दिखा भी दिया था वीडियो में। वो बड़ी भाई मतलब इतनी भीड़ हो रही ना, इतनी भीड़ हो रही, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही यार, मैं क्या बताऊँ। मतलब कदम रखने के लिए हमने यहाँ मतलब जैसे गेट का द्वार खुला, जैसे द्वार खुला और बस उसके बाद पता नहीं है कि कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, इतनी गंदी भीड़ थी भाई शुरू से। भाई राधा रानी का नाम लेके अंदर घुस गए, बहुत ऐसा लगा था कि गए अब गिर गए बस, बट निकल गए। अंदर देखो बहुत भीड़ है, पूरा फुल हो चुका है मंदिर, पूरा फुल भाई। हमें ना श्री राधा रानी के दर्शन भी कर लिए और मंगलम आरती भी अटेंड कर लिए हमने। भाई बहुत अच्छा था भाई, यहाँ तक पहुँचने का रात को 2 बजे से बैठे हुए थे, और अब जाके 5:30 जाके दर्शन हुआ उनका, वो भीड़ इतनी ज्यादा हुई थी क्या बताऊँ मैं। अभी हम टैक्सी कर रहे हैं,
बाकी हमने बाकी भाई प्रसाद तो शायद मिलेगा नहीं क्योंकि भाई भीड़ इतनी हुई ना, प्रसाद लगता नहीं है कि मिल पाएगा, पर दर्शन हो गए वही काफी हमारे लिए। अभी हमें यहाँ से एग्जिट करके देखिए, भाई मजा आ गया भाई दर्शन करके सुबह सुबह, और मंगलवार आरती भी हमने अटेंड कर ही लिया है। और बाकी अभी हम जा रहे हैं नीचे, एग्जिट कर रहे हैं, अपने एक टीम मेंबर को ढूंढ रहे हो कहाँ पर है बोले। भाई कैसे लगा आपको आरती में? आरती में कैसा कैसे लगा आपको दर्शन करके? बहुत आनंद आया। आप भी बताओ। अच्छा, आपको कैसे कैसे लगा? आनंद, खूब आनंद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? होरी के रसिया की जय, लाडली लाल की जय, बोले श्यामा प्यारी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, सखिन सरदारी की जय, लाडली दी महाराज की जय। One day later, राधे राधे गाइस। तो कैसा सब? तो भाई अभी हमने ना अभी सुबह सुबह हमने आरती की थी, मंगला आरती अटेंड की थी, देन उसके बाद हम थोड़ी देर रूम पे जाके आराम आराम किया था हमने, जब उसके बाद अब हम तैयार हो गए देखो होली खेलने के लिए, हम रेडी है। ये मेरे आज के आउटफिट है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि पता भाई मैंने मतलब बता रहे बंदे के भाई यहाँ पे बहुत गंदा होली मनाई जाती है, बहुत गंदे रंग वंग फेंकते हैं, तो भाई नए कपड़े पहने तो बेकार है, पुराने कपड़े पहन लो उससे रहेगा। और भाई और एक चीज़ ना, यहाँ की होली खेलने से पहले मतलब कहीं की होली खेलने से पहले एक बार भाई शरीर पे पूरा गोली का तेल जरूर चिपट लेना, तो ज़्यादा कहाँ अच्छा है मतलब फायदा रहेगा, क्योंकि उससे क्या है ना जब कोई कलर लगेगा मुंह पे तो उससे आराम से चिकना से छूट जाएगा, बाद में लगेगा नहीं, दिक्कत नहीं आएगी बाद में। तो भाई मैंने तो तेल भी लगा लिया, ऑयली जगह स्किन स्किन हो रखी है मेरी, चश्मा भी ले लिया, और हेड वेड भी मैंने ले लिए बालों के लिए, बाकी ये गमछी है सौदा पहुँचने के लिए मुँह ढकने के लिए, बाकी सौदा वौदा हो गया। अभी हम निकलने वाले थोड़ी देर में जस्ट रूम से, ताकि हम जाए होली खेलने। और अभी एक बरसाने की परिक्रमा रह गई है जो कि 6 किलोमीटर की अराउंड है, वो हम करेंगे, वो पैदल, वो भी हमें पैदल करनी पड़ेगी, और उसमें या वो जो यात्रा करेंगे, वो जो परिक्रमा करेंगे उसी दौर में हम होली भी खेलेंगे। बने रहिए ब्लॉग में, बाकी मज़ा आने वाला फुल, आज अब एक्चुअल में देखी जाएगी होली क्या होती होली, ठीक है? बाकी प्यार से होली, राधे राधे। तो हे गाइस, फाइनली अभी हम आ चुके हैं बाहर रोड पे, और यहाँ से निकलते ही साथ ही भाई हम पे जो गुलाल फेंके गए ना, जो फेंके गए क्या लटवार होली, हाँ, और जो कि है 4 बजे, और उसके लिए हम वेट कर रहे हैं 4 बजे का, उसके बाद हम लठमार होली खेलेंगे, और भाई बड़ा मजा आएगा, और बनी रहेगा ब्लॉग में लठमार होली देखने के लिए बरसाने की। बाकी अभी हम घूम रहे हैं बरसाने के रोड पे, और कुछ यहाँ से कलम हमारे, कुछ वहाँ से कलम हमारे, बाकी भाई अपना फोन वो कैमरा ना सब कवर करके रखना, मैंने तो अपना फोन कवर कर लिया, बाकी तो अपना देख लो। बाकी हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली, और राधे राधे, और बने रहो ब्लॉग में। गुलाल मार रहे हैं, देख लो बंदे गुब्बारे मार रहे हैं यार, ठंडे में भी यार सुबह से वैसे भी ठंड लग रही है। ये हमारा जय
ब्लॉक में। ठीक है गाइस, यहाँ पे इतनी गंदी वाली कीचड़ हो रखी है ना कि क्या है, मतलब फिसल जाता है अभी मैं। ठीक है होली खेल रहा है यहाँ पे, ये लोग कीचड़ कीचड़ है इसकी अम्मा। ऊपर दे पानी मारते बंदे, अबे भाई फोन पे आ रहा पानी आ रहने दो। गंदे कर रखे बंदे ने, मतलब पानी अब कान में आंख में सब में डाल ले यार बंदे। पर कोई बात नहीं भाई, होली है भाई तो क्या ही हो सकते हैं, मजे लो, होली होली है भाई। भाई यहाँ से है ये गली में परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। बस आने वाली है, बस आने की परिक्रमा है स्टार्ट यहाँ से हो रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे भाई, पूरा मतलब भीड़ भीड़ दिख रही है गली गली में। छोटू मजा आ रहा होली में, क्या बात है बताओ, कैसा लग रहा है आपको की होली में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हर साल आता हूँ, हर साल आता हूँ, हर साल की होली खेल रहे मेरे लिए बहुत ही बढ़िया। आज के लिए यहाँ पे आता हूँ, यहाँ का माहौल देखते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। श्री राधा रानी की जय। तभी यही बोल रहे भाई, बहुत मजा आ रहा है होली खेलने में। बच्चे खिड़कियों से गेटों से ऐसे देख कलर फेंक रहे हैं ना कानों पे, क्या ही बताएं हम, बट मजा आ रहा है। भाई भी है, भाई कुछ बोलो। भाई बहुत मजा आ रहा है, भाई बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग कर रहा है, भाई को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो। राधे 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 राधे। छोटो छोटो हाय, हैप्पी होली। यहाँ से ना चढ़ान जो है ना, देखो यहाँ की जो चढ़ान है ना बहुत गंदी वाली, देखो चढ़ान देखो आगे बंदे ना खड़े नहीं हो पा रहे, और हम यहाँ पे चढ़ाई कर रहे, देखो ब्लॉग बना रहे हो तो मान ली क्या क्या करना पड़ता है, समझ ली, देखो चढ़ान देखो आगे एड़ी बड़ी है। यहाँ पे बिल्कुल पैर भी टिका नहीं जा रहा बिल्कुल भी, पहाड़ एक देखते तो पूरा है यहाँ की परिक्रमा, देख लो इतनी मेहनत करने बैठे वहाँ जाए नीचे आ रहा नीचे बोलो कुछ अब। भाई साहब भाई की वीडियो को लाइक शेयर फॉलो। अरे ये सब नहीं बोलना, तुम बोलो जो मजा आ रहा तुम्हें यहाँ पे बड़ परेशानी में। बिल्कुल मजा आ रहा भाई साहब, एक नंबर का मजा आ रहा है। राधे 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 राधे। गाइस यहाँ से जाना मांगता मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यार ये ऐसी परिक्रमा आएंगे देखो कैसे रेंगेंग के बंदे आ रहे हैं। फाइनली गाइस थोड़ा बड़ा तो रास्ता मिल गया हमें। आ गए भाई।
गया। हाथ में ले आइयो भाई, ये जो पानी है ना, ये घेवर पानी है, इसकी चीटा मारना बहुत जरूरी होती है ऐसा माना जाता है। तो हमने भी चीटा मार ली भाई। जैसे हम घेवर वन तालाब से आए, वहाँ से थोड़ा आगे आके एक रास्ता आता है मान मंदिर का, ये रास्ता पूरा है यहाँ से उठा, आगे आके थोड़ा मान मंदिर आएगा वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। बाकी भाई मजा आ रहा होली मुझे, एक ब्लॉग ना अभी बैठक में बनाएंगे ऊपर हम कीर्तन करेंगे फिर। अरे सकीब है, कैसे लग रहा आपको होली पर बैठ के? अरे बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। इनसे भी इनका भी लो ना, इनका भी कैसा लग रहा है आपको? अरे आनंद ही आनंद, परमानंद। ऊपर मैं चढ़ने सीधा ले लिया। कैसा लग रहा है आपको होली में? कर रहा है भैया, बताइए। बहुत आनंद आ रहा है इनको। ये है हमारे, क्या बताऊं, मेमोरी भर जाएगी इसकी, बंद कर दे। सब मेमोरी बहुत इसमें, सारी मैम इसमें फुल मेमोरी है, इतना इतना इसमें इतना स्पेस है ना, दुनिया भर का सब है। राधे राधे अंकल जी, राधे राधे। कीर्तन हो रहा है और अभी से ज्यादा मुझे सहा नहीं जा रहा हूँ उससे, क्योंकि ना दूजा भाई सोच रहा हूँ अभी ना थक चुके हैं मतलब फिर भैया मुझे सब बात छोड़े। बताओ अभी कैसा लगा तुम्हें होली बना के? मैं तो पहली बार आया तुम्हें भाई, दूसरी बार आया और मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार का मजा भी अच्छा। भाई बताओ पहली बार का मजा और दूसरी बार मजा कुछ फर्क है इन दोनों में? सेम पहली तरह होली पे पहली बार आया हूँ अभी जैसा। अच्छा मतलब तुम भी मेरे साथ, मतलब भाई हम दोनों भाई पहली बार होली सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे बरसाना में, बाकी मजा आ रहा है मुझे तो भाई। मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ क्या होता है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है होली सेलिब्रेट करने में, बाकी जो बताओ अपना एक्सपीरियंस। और अभी भाई इसके बाद हम ना यहाँ पे कीर्तन खत्म होने के बाद हम जाएंगे दोबारा राधा रानी के मंदिर, वहाँ पे अगर पॉसिबल हुआ तो हम दर्शन कर लेंगे, क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो रही है।
पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ पे, पर कोशिश करेंगे हम अगर दर्शन हो जाए। वैसे दर्शन तो हमें सुबह हो गए थे, वो अच्छी बात है, अभी भी देखेंगे हो जाए तो पॉसिबल होगा तो दर्शन कर लेंगे, अदरवाइज लटमार होली खेल के खत्म कर देंगे ब्लॉग भाई। लटमार होली खेलोगे ना वो शाम को 4 बजे के, अभी टाइम आई थी 2 बजे होगा ना। क्या चलो तुम ब्लॉग को बढ़े रहो और प्यार से बोलो राधे राधे। अभी हम हैं राज मंदिर, राज महल वाले मंदिर पे, राज मंदिर है इसका नाम, और यहाँ का एक वातावरण लुक तो तगड़ा वातावरण है। इतना गुलाब उड़ रहा है, इतना गुलाब उड़ा है कुछ दिख भी रहा कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, बहुत ज्यादा गुलाब उड़ रहा है और आंखों में जो पड़ रहा है देखो। जैसे ही हमारी बरसाने की परिक्रमा ख़त्म हुई, वैसे ही हम हमारी श्री जी यानी राधा रानी के आशीर्वाद लेने के लिए उनके द्वार तक गए, लेकिन उनका आशीर्वाद लेना इतना आसान नहीं था। उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमें पूरे 2 घंटे कड़क धूप में, लोगों की बेहद लंबी भीड़ में धक्का मुक्की खाकर उनके द्वार तक पहुँचे, और तब जाके हमने हमारी श्री जी यानी राधा रानी के दर्शन किए। राधे राधे। परिक्रमा भाई करके आ चुके हैं और श्री राधा रानी का भी दर्शन भी हो गए हमारे भाई। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा यार, सर दर्द होगा भाई मेरा भाई, क्या बताऊँ इतना भीड़ है ना, मैं क्या बताऊँ भाई, बहुत जीना चाहिए भाई दर्शन करने के लिए ब्रो, मैं बताइए ब्रो। बाकी अभी हम वेट करें थोड़ा लटमार होली के लिए और आगे थोड़ा देखते हैं कैसे क्या सीन है। A few moments later. क्या है ना, जो लठमार होली है उसके लिए वो थोड़ी बड़ी वीडियो है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक अलग पर्टिकुलर वीडियो आएगी। तो अगर ऐसा चीज है तो भाई ये जो ब्लॉग है वो यही खत्म होता है, बाकी जो लठमार होली का जो ब्लॉग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला, ये जो यहाँ पे वीडियो आ रही है उसमें दिख जाएगा, इसके बाद जो वीडियो उसमें दिख जाएगा, और आप वहाँ पे जाके लठमार होली देख सकते हैं। बाकी ब्लॉग यही खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें। प्यार से बोले राधे राधे।